ओहो गाइस, मेरे पीछे हमला होने वाला। गाइस ये देखो, तो गाइस ये है शमशान भूमि जहाँ पे मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है। और गाइस यहाँ पे सारे मुर्दा टाइप के हैं जो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। गाइस ये बिल्कुल ही मर रहे भाई, ये पक्का कोई भूत प्रेत का साया है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा। गाइस मैं कहाँ, मतलब कहाँ शमशान भूमि पर था। और गाइस वो कोई रोबोट टाइप का है ना, देखो उसके ना आंख भी है। हे गाइस, वेलकम टू आर जी गेमर। गाइस कैसे हो आप सब। गाइस आज मैं आपको GTA 5 के सबसे सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने वाला हूँ। तो गाइस वो लोकेशन बहुत ही खतरनाक है, और गाइस वो लोकेशन जो है वो एक शमशान भूमि है जहाँ पर मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि वहाँ पे आपने पूरे दिन में कभी भी जाओ कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रात के 1 से 2 के बीच मत जाना। जो टाइमिंग है रात के 1 से 2 वो बहुत ही ख़तरनाक है उस लोकेशन पर। जो वहाँ की पब्लिक है वो बोलती है यार वहाँ पे ना, मतलब बहुत ख़तरनाक भूत प्रेत टाइप कुछ है, साया है, जो कि जो हम मुर्दा बॉडी दफनाते हैं उन्हीं की बॉडी निकलती है बाहर, ये वो, मतलब बहुत ही कहानी है, ऐसा लोगों का कहना है। तो गाइज हम जाने वाले हैं अपने फॉर्चुनर के अंदर, और उसके अंदर बैठ के फिर हम जाएंगे उस सीक्रेट लोकेशन पर। और गाइज मेरी राय है कि आप उस लोकेशन पर बिल्कुल भी मत जाना। तो गाइज ये मेरी फॉर्चुनर बाहर आ चुकी है, और गाइज वो मेरी गैराज में एक और बाइक खड़ी है, BMW GS 1200। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये बाइक मेरे को गिफ्ट मिली थी। और गाइज पहले मैं मैप में लोकेशन सेट कर देता हूँ। तो गाइज ये मैंने मैप खोल लिया है, और जो वो लोकेशन है वो बहुत ही मतलब ठीक जगह है। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा मैप में जूम कर लिया। और गाइज जो ये वाला है ना पूरा जो है ग्राउंड, ये पूरा शमशान भूमि है जहाँ पर हम मुर्दा बॉडी जो है वो दफनाते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे मैप में लोकेशन सेट कर देता हूँ, मेरे को इस वाले रोड पर आना है। तो मैंने मैप में लोकेशन सेट कर दिया, और गाइज ये बिल्कुल सीक्रेट लोकेशन है, मतलब आप कभी कभी वो यहाँ पे आए भी होंगे लेकिन आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आपको रात को 1 से 2 के बीच में ही दिखेगी। तो गाइज मैंने मैप में लोकेशन सेट कर दिया, और गाइज बस हम फॉर्चुनर से अब जाने वाले हैं फटाफट। तो आपको मैंने सीक्रेट लोकेशन बता दिया मैप के अंदर। तो गाइज मैंने फॉर्चुनर स्टार्ट कर दी अपनी। तो गाइज ये है इसका इंटीरियर व्यू अंदर का, और बहुत ही क्लासिक सा व्यू है यार, मस्त है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है, और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है इस फॉर्चुनर की। ओहो भाई GTA 5 की पुलिस, ओह शट 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 शट, थोड़ा सा मुझे, अरे यार ये आगे वाले बंदे ना क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो गाइज मैंने मैप में लोकेशन सेट कर दिया, बस हम जल्दी ही पहुँचेंगे वहाँ पर, ठीक है। और गाइज मैंने जैसे आपको बताया कि 1 से 2 के बीच जाना वहाँ बहुत ही खतरनाक सा है, और वहाँ पे बहुत खतरनाक घटनाएं घटती है। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फ़ोन में अभी टाइम जो हो रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ अपना टाइम। तो गाइज ये देखो, ये मैंने फ़ोन खोल लिया, और 1 मिनट आया नहीं बाहर, या क्या हो रहा फ़ोन को। तो गाइज ये रहा मेरा फ़ोन, देख लो आप, टाइम अभी हो रहा है 23:05, मतलब कि 11:05 हो रहा है। तो हम 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे गाइज, ठीक है। तो मैंने फ़ोन दोबारा रख लिया अपने पास, और जब हम 1 बजे तक हमें वहाँ पहुँचना है उससे पहले, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ करता हूँ। और फॉर्चुनर है ही, ऐसे भी बहुत अच्छी खासी स्पीड है इसकी। ओहो हट जा भाई, क्या कर रहे, ठोको मत यार मेरे को। तो थोड़ी सी पब्लिक यहाँ पे रात में दिखता नहीं लग रहा इनको। तो हम गाइस हम बस जल्दी ही पहुँच जाएंगे अपने मिशन पर, एक एक तरह से हमारा ये मिशन ही है जो कि। और गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरा दिखाऊं, मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और क्या क्या कांड होते हैं यहाँ पे, और गाइज 1 से 2 के बीच ही क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसे कांड। तो गाइज कोई नहीं, हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे, और हम बस पहुँचने वाले। अब मैंने आपको टाइम दिखा दिया, 11:05 हो रहे थे, और गाइज आपको पता है कि GTA 5 में टाइम बहुत बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो हम 1 बजे तक बहुत ही आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत प्लानिंग से निकला हूँ घर से बिल्कुल टाइम देख के, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और गाइज मेरी राय है तो कि आप वहाँ पर जाओ मत इस सीक्रेट लोकेशन पर, ठीक है। तो बस गाइज 1 बजने वाले हैं, जल्दी मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो गाइज हम बस पहुँचने वाले हैं, और हट जाओ मैडम जी, मुझे पता है रेड लाइट है, लेकिन मैं रुकता नहीं बिल्कुल भी रेड लाइट पर, और मैं ठोक सकता हूँ आपको कभी भी। और गाइज यहाँ मैं पहुँच चुका, जहाँ मैंने मैप में लोकेशन सेट किया था मैं पहुँच चुका। और गाइज ये सामने वाला जो पार्क है, इसी में हो रहा है वो घटना है जो कि रात के 1 से 2 के बीच होता है।
और गाइज़ मैं एक बार फ़ोन में चेक कर लेता हूँ टाइम क्या हो रहा है। तो गाइज़ टाइम हो गया 1:18 आपके सामने है, देख लो। तो गाइज़ फ़ोन में टाइम हो चुका है 1 से 18 मिनट हम लेट हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं अंदर जाता हूँ आराम से, गाड़ी पार्क करूँगा साइड में। तो 1 मिनट गाइज, तो यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, सुनसान भूमि गाइज देखो पूरी। और गाइज वहाँ पे देखो, वहाँ पे कुछ आग टाइप के कुछ लगे हुए हैं इधर गाइज। ओ भाई साहब, कुछ खतरनाक सी घटनाएं हो रही है वहाँ पे। तो गाइज मैं ऐसा करता हूँ, अपनी जो कार है वो यहीं, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पार्क कर देता हूँ कार को, ठीक है। ओ भाई साहब गाइज, कुछ तो खतरनाक सा हो रहा है अंदर। गाइज मैं अपनी कार से उतरता हूँ फटाफट, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। मेरे को भी कार से उतरना खतरे से खाली नहीं लग रहा गाइज, वहाँ पे कार से तो सही से दिख नहीं रहा। तो ओहो गाइज, मेरे पीछे हमला होने वाला है गाइज, ये देखो। ओ भाई साहब, कोई आ रहा था मेरे पास। 1 मिनट गाइज, कोई तो आ रहा था भाई साहब। मैं अपनी गाड़ी को यहीं खड़ी करता हूँ और फिर हम आराम से जाने वाले देखने, ठीक है। तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी, कार से मैं उतरता हूँ बाहर और मैं बस आराम से जाता हूँ। क्या हो रहा भाई यहाँ पे सीन, क्या सीन सपाटा हो रहा है रात के 1-2 बजे करीब। तुम कौन हो भाई, ये लोग कौन है यहाँ पे। गाइज कुछ आग वाग तो लगी अंदर, ठीक है, और मुझे पता नहीं बिल्कुल भी। ओ भाई साहब गाइज, वो देखो एक बंदा वहाँ पे दौड़ रहा है, शेट मैन। गाइज यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, शेट मैन। गाइज भागो गाइज, ये मेरे पीछे आ चुका शेट मैन। ओ गाइज, ओ भाई साहब गाइज, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अंदर जाके कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइज ये है शमशान भूमि जहाँ पे मुर्दा लोगों को दफनाया जाता है, और गाइज यहाँ पे सारे मुर्दा टाइप के हैं जो यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। और गाइज देखो यहाँ पे ना कुछ बॉडी भी, और गाइज मेरे ऊपर हमला भी कर रहे हैं लोग। ओ भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। और गाइज वो देखो यहाँ पे कुछ बॉडी भी है जो जिंदा है। तो गाइज मेरे को पता नहीं ये मेरे पे, तो फिर गाइज यहाँ पे कोई लेडी भी है देखो यहाँ पे, जिसको इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। ओ भाई साहब, ये मेरे पीछे पड़ गए पूरा हाथ धो के। और गाइज यहाँ पे हर जगह ब्लड ही ब्लड है। ओ भाई साहब, मैं इस पे बैठ जाता हूँ। ओ भाई भागो यहाँ से भाई, यही भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। गाइज यहाँ पे मतलब इसके अंदर कुछ है गाइज, जो मैं कार के अंदर, कार बोल सकते हो आप इसको, जहाँ मैं इसके ऊपर बैठा हूँ इसमें कुछ है। और गाइज आप एक चीज़ देखो, वो रुक गए हैं क्या, आ रहे मेरे पास, क्योंकि गाइज मैंने इसके अंदर बैठा तो ये रुक गए शायद, आई थिंक, है ना। नहीं, आ रहे भाई, तो ये मुझे मारे का लग रहा भाई, ये हर जगह आग लगा के आ रहा भाई, खतरा भाई यहाँ पे बहुत खतरा है यार। गाइज ओ शिट यार, ये पलट गई यहाँ पे अंदर, अब तो बाहर नहीं निकल सकती है यार। मैं उतरता हूँ यहाँ से गाइज, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है गाइज। मैं आपको और थोड़ा क्लोज व्यू दिखाता हूँ, मैं इन पे हमला भी नहीं कर सकता क्योंकि ये बिल्कुल नहीं मर सकते, और मेरी हेल्थ बहुत कम हो रही है बहुत तेज़ी से। और गाइज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इसका दिखाता हूँ क्लोज व्यू, ये देखो यहाँ पे एक बंदा पूरा जिंदा, और यहाँ पे कोई लेडी है जिसकी आंखें भी अजीब हो गई है, और ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये हमला कर रहे, मैं इन पे हमला करूँ कुछ। ओ भाई, तुम्हारी ऐसी तैसी, ये ले मार बम, मार मार फ्रैंकलिन, मार मार भाई, तुम मर ही नहीं रहे, बहुत ढीठ है तो इनकी ऐसी की तैसी। तो गाइज मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ पे सच में मतलब जो लोग बोल रहे थे वो सच्चाई है यहाँ पे, कि रात के 1 के 2 के बीच यहाँ आना मत बिल्कुल भी, वहाँ पे खतरा बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे लोगों की संख्या मतलब इनकी संख्या कम नहीं हो रही। और गाइज ये जो यहाँ पे फायर टाइप का, मैं इसके पास जाके देखता हूँ क्या होता है। ओ गाइज मैं कहाँ पर आ गया यार, अरे ये क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। ओए ये सेम था वहाँ पे शमशान भूमि पर, शमशान घाट के पास जो था ये सेम वॉल टाइप का कुछ है, और ये यहाँ पर भी है भाई, ये क्या हो रहा है। मैं उसके पास गया था तो यहाँ पे आ गया,
और गाइज यहाँ पे कोई एक गेट है और एक यहाँ पे मूर्ति टाइप की है और ये पता नहीं क्या अजीब सा है। तो भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो ये मूर्ति में क्या लगा हुआ मुझे समझ में, देखता हूँ क्या है। वो ये क्या हो गया फिर आ गया मैं यहाँ, ये कहाँ पर आ गया यार ये जो मूर्ति यार ये गाइज मुझे मेरे को लग रहा है ना कुछ ये है ना इस टाइप के ना मूर्ति टाइप के ना कुछ गेट वेट है तो मैं यहाँ पर आ गया। कोई सिप विप लग रही है और यहाँ पर कोई सीढ़ी भी है, मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ तो मैं ऊपर जाके देखता हूँ गाइस क्या है यहाँ पे क्या सीन सपाटा है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं वहाँ से यहाँ कैसे आ गया। ओ गाइस यहाँ पे ये देखो शेटमैन, गाइस ये क्या है यहाँ पे, गाइस ये देखो गाइस ये मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं इनकी ऐसे की तैसी। गाइस इनके ऊपर भी आग लगी हुई है, मतलब ये सब ना कुछ ना आपस में ना एक दूसरे से ना कहाँ वो है ऐड मतलब कनेक्ट हो चुके हैं ये एक दूसरे से। भाई तो मर ही नहीं रहे भाई, बहुत डीट है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ गाइज, गाइज ऊपर भी दो बंदे यार, और गाइज वो देखो वो मेरे को लग रहा है, वो मेरे को लग रहा है कि ये इनका हेड है। देखो ये वाला बंदा है ना, ये कोई यहाँ पे जोकर है रियल टाइप का, मैं इसको मारता हूँ। आ जा भाई तेरी ऐसी तैसी। गाइज मैं इसको ऊपर ना करता हूँ फायरिंग, ये हाथ से नहीं मरेंगे। मैंने ले ली गन, अब इनकी ऐसी की तैसी। तू ही हेड है मुझे लग रहा है भाई, तू ही हेड है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। भाई तो मर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और गाइज ये देखो मेरे ऊपर कितने हमले हो रहे हैं यहाँ पे, मारी ऐसी की तैसी। गाइज ये बिल्कुल नहीं मर रहे भाई, ये पक्का कोई भूत प्रेत कर साया है भाई, वो समझ में नहीं आ रहा इनकी ऐसे की वैसे। हट जा गाइज, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार यहाँ पे क्या हो रहा है। ओ भाई साहब शेट मैन, गाइज मैं पानी के अंदर चला गया यार। ओ भाई मैं कहाँ पर, मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि जो वो मतलब जो गेट से मैं आया था उसी गेट से वापस जा सकता हूँ गाइज। ओ भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, ऊपर चल भाई फ्रैंकलिन ऊपर चल। अरे शेड मैन अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ यार, ओ भाई साहब यहाँ से कैसे जाऊँ मैं, 1 मिनट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ गाइज मेरे को लग रहा कि यहाँ से रास्ता होगा, एक बार मैं जाके देखता हूँ। तो गाइज मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे हमले हुए जा रहे हैं गाइज, और यहाँ पे ना ये पता नहीं मर ही नहीं रहे बिल्कुल भी। भाई मैं इनको मारने से अच्छा कि यहाँ से भागू फटाफट। और गाइज मैंने फुल पूरी कोशिश की आपको सब कुछ दिखाने की और मैं अब कुछ नहीं दिखा सकता आपको, मेरी तो भाई यहाँ पे हवा टाइट हो रही है और मुझे फटाफट यहाँ से जाना चाहिए वापस। और गाइज मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँगा वापस, क्योंकि हाँ ये रहा जो ये मूर्ति थी ना इसी मूर्ति से, हाँ आ गया मैं वापस गाइज। गाइज मैं वापस उसी रूम पर आ गया जहाँ पर वो दो गेट थे, एक ये वाला और एक ये वाला। और गाइज ये गेट ये भी है ना ये पीछे वाला, मैं जाके इस वाले गेट पे देखता हूँ क्या सीन है। अरे ये कहाँ गया मैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ यार। गाइज ये देखो वो भाई यहाँ पर भी बंदे हैं, क्या करूँ भाई यहाँ से भागता हूँ फटाफट। गाइज ये बहुत खतरनाक है यार, वो भाई ये वाला गेट तो ओपन ही नहीं हो रहा यार, क्या करूँ मैं क्या करूँ। हाँ मैं ऐसा करता हूँ इस गेट को, ओ ये कहाँ गया, ओ गाइज ये, ओ माय गॉड गाइज ये देखो क्या ऊपर। गाइज मैं कहाँ मतलब कहाँ सुनसान भूमि पर था, और गाइज वो कोई रोबोट टाइप का है ना, देखो उसके ना आँख भी हैं और भाई इसके हाथ से कुछ निकल रहा है, ये मतलब पहाड़ पूरा पहाड़ का रोबो है क्या कोई ये, और ये क्या मतलब कोई इसके पास नहीं आ सकता मुझे लग रहा है ऐसा। ओ भाई साहब गाइस मैं एक बार इसके पास जाता हूँ। गाइस ये देखो, ओ भाई शेट शेट शेट, यस गाइस ये देखो, ओ भाई साहब गाइस यार ये देखो इसके आंख भी है यार, ये पूरा रोबो टाइप का है। और भाई ये मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है,
इसकी आँख कितने लाइटिंग मतलब। और गाइज मैं इसके ऊपर करता हूँ फायरिंग, रुक जाओ मैं इसको देखता हूँ कि ये मरता है नहीं मरता है, क्या है मतलब कुछ है इसके अंदर या नहीं है। मैं इसके आँख पे फायरिंग करूँगा। यस गाइज ओहो ये हो रहा, ख़त्म हो रहा गाइज। ये पानी के अंदर इसके बॉडी टूट टूट के नीचे गिर रही है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है भाई। मैं इसके ऊपर फायरिंग कर रहा हूँ फिर भी जिंदा ही है। इसके हाथ मेरे ऊपर हमला हमला करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। यस मैंने इसकी आधी तो 25% बॉडी इसकी मैंने पानी में फेंक दी गाइज, और ये भी फेंकूँगा। यस 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 मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा गाइज। मेरे को लग रहा है कि जो इन सभी का हेड है वो यही है मॉन्स्टर, जो मुझे लग रहा है। लेकिन मैं इसको कैसे ख़त्म करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने इसकी आधी बॉडी तो ख़त्म कर दी, लेकिन ये आधी बॉडी बहुत ठोस है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ओ भाई साहब। यस गाइज मैं बहुत जल्दी इसकी बॉडी ख़त्म कर दूंगा 1 मिनट। यस ये भी गया, और ये तो गाइज मेरे ऊपर ये इनके हैंड बहुत हमले कर रहे हैं, लेकिन मैं बचा पड़ा हूँ फिलहाल। तो गाइज ओ भाई साहब, तो गाइज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मैं इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाता रहूँगा यार आपके आपके पास। तो गाइज मेरे ख्याल से ये इनका हेड था, और मैंने आई थिंक मैंने इसको ख़त्म कर दिया। तो आई थिंक गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओ भाई मेरे को यहाँ से भागना चाहिए फटाफट। ओ गाइज ये मेरे ऊपर हमला हमला किए जा रहे हैं। और गाइज ये वाला गेट है ना देखो। ओ भाई साहब मैं कहाँ पर आ गया गाइज। मैं एक बार मैप में लोकेशन सेट करूँ, मतलब मैप में लोकेशन देखूँ मैं कहाँ पर हूँ। ओ भाई साहब गाइज मैं यहाँ पर हूँ, और गाइज मैंने मैप में लोकेशन सेट किया, जो मेरी शमशान भूमि थी वो है ये वाली। और यहाँ से मैं कब यहाँ गया मुझे पता नहीं हुई, और मैं कहाँ कहाँ गया हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे 4 गेट हैं ना, 4 गेट हैं। फिर मैं वहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ बहुत कन्फ्यूज़ हो गया अब मैं तो। और गाइज गाइज ये तो शुक्र है कि मेरे को कुछ हुआ नहीं, तो फ्रैंकलिन अभी ठीक ठाक है, लेकिन ये इनका हेड था तो मैंने इनको ख़त्म कर दिया आई थिंक। और गाइज ये बहुत बुरी तरह, और गाइज मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैं यहाँ से शायद तैर के ना पहाड़ पहाड़ होते हुए जाऊँगा, तो क्योंकि मैं इस गेट से वापस जाऊँगा नहीं, क्योंकि बहुत ख़तरा है। तो गाइज ये वाली वीडियो फ़िलहाल इतनी रखते हैं इस वीडियो के अंदर। और गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, और आगे मैं किस टाइप की टॉपिक लाऊं तो मुझे वो भी बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और गाइज प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगेगी मुझे पता है, और आप वीडियो को करो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराओ कंप्लीट। ओके गाइज तो मैं आपको मिलता हूँ इस आगे इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज बाय बाय टाटा।